ये है, ये ना 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं उन लोग के लिए ऑन स्पॉट जो है, जो लोग रजिस्ट्रेशन अपने आप नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से नहीं हुआ है, तो बोलो यहाँ डायरेक्ट आए और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीन लगवाएं। अच्छा, वैक्सीनेशन के पर किस तरीके की आप उन्हें सुझाव देना चाहेंगे वो वैक्सीनेशन कराएं? देखिए ऐसा है ना, जो इन लोगों को जो वैक्सीनेशन हो रहा है इसमें हम लोग इनको ये बताते हैं कि नेक्स्ट दूसरी डोज कब लगेगी, है ना, जो हम लोग को निर्देश है कि 82 दिन के बाद ही लगेगी दूसरी डोज, उससे पहले नहीं लगेगी। उनके पास जो है मैसेज आएगा सेकेंड डोज का, तो तभी उनको वैक्सीन लगेगी। खाने में कोई किसी तरीका परहेज नहीं है, और बेहतर डाइट लें, जितनी अच्छी डाइट लेंगे ना उनके लिए उतना ही आराम रहेगा। दूसरी चीज़, पैरासीटामोल की टैबलेट हम लोग सेफ साइड के लिए दे देते हैं कि अपने वैक्सीनेशन के एक या डेढ़ घंटे के बाद जो है वो एक टैबलेट ले लें, तो थोड़ा सा सेफ्टी रहती है, बुखार अगर तेज आता है तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होती है। दूसरी टैबलेट जैसे रात को अगर बुखार लगे तो लें, अगर किसी की बॉडी इम्यूनिटी अच्छी है वो नहीं लेना चाहता है तो ना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ आज? लगभग हो गया अभी 50 चल रहा है। लक्ष्य कितने का है? लक्ष्य यहाँ पर 200 का है, अभी 200 का है फिलहाल।